दोस्तों हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आर्गन वेल्डिंग का जो टॉर्च होता है उसमें जो है कितने मुख्यतः भाग बने होते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह जो टॉर्च है यह टॉर्च गैस कूल टॉर्च है और दूसरा जो होता है वाटर कूल टॉर्च होता है। गैस कूल टॉर्च जो होता है यह गैस के द्वारा ठंडा होता है और वाटर कूल जो टॉर्च होता है यह वाटर के द्वारा ठंडा होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि टॉर्च पर एक नॉब लगा हुआ है जिस नॉब को हम लोग खोल करके गैस का कंट्रोलिंग करते हैं और गैस कप के द्वारा गैस जो है निकलता है। यहाँ से रेगुलेटर को घुमा करके गैस को कम और अधिक हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यह जो टॉर्च है यह टॉर्च वाटर कूल टॉर्च है और यह अधिक समय तक कार्य करता है। यह वाटर के द्वारा ठंडा होता है। इसमें जो नोजल लगा होता है 24-11 का और 24-13 का नोजल प्रयोग किया जाता है और भी इसमें नोजल प्रयोग किए जाते हैं। यह टॉर्च बहुत कम गर्म होता है। गैस कूल टॉर्च या वाटर कूल टॉर्च को आसानी से हम मोड़ सकते हैं और इसको जिस डिग्री में चाहते हैं उसे हम सेट कर सकते हैं। इस टॉर्च के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं और उनका क्या क्या कार्य है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस टॉर्च को वेल्डिंग टॉर्च कहा जाता है और बहुत से लोग इस टॉर्च को वेल्डिंग हेड के भी नाम से जानते हैं, लेकिन इसको वास्तव में वेल्डिंग टॉर्च ही कहा जाता है। यह जो टॉर्च है इस टॉर्च में मुख्यतः 9 भाग बने होते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि वह 9 भाग कहाँ कहाँ है। तो यह जो चीज़ है इसको कहा जाता है लॉन्ग टेंशनिंग कप। यह लॉन्ग टेंशनिंग कप है और इससे एक थोड़ा सा छोटा होता है इतना साइज का, उसको कहा जाता है मीडियम टेंशनिंग कप। और इससे एक और छोटा आता है जिसे कहा जाता है शॉर्ट टेंशनिंग कप। आप देख सकते हैं कि यह जो है सबसे छोटा है, यह जो होगा शॉर्ट टेंशनिंग कप होगा। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कम जगह है और टॉर्च को लगाना है तो टंगस्टन काट करके और जो है शॉर्ट टेंशनिंग कप का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यह जो है शॉर्ट टेंशनिंग कप है और मीडियम टेंशनिंग कप आपको बताया जा चुका है कि इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इस टॉर्च में हम देखेंगे कि अगला भाग कहाँ होता है। इसको जो है गैस कप के नाम से जानते हैं हम लोग। यह गैस कप है या सिरेमिक नोजल इसे कहा जाता है, या सिरेमिक का बना होता है या सिरेमिक नोजल भी कहा जाता है। यह नोजल कई साइज में आता है, जैसे 4 नंबर आप देख सकते हैं इस नोजल पर 4 नंबर लिखा हुआ है। यह नोजल जो है 4 नंबर का है और इसमें 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर इत्यादि नोजल आते हैं। जैसे देख रहे हैं ये 6 नंबर है, ये जो नोजल है यह 7 नंबर का है। इसमें कोई भी नोजल लग जाता है, 4 से लेकर के 5, 6, 7, 8 इत्यादि नोजल इसमें लग जाते हैं। लेकिन गैस कूल जो टॉर्च है उसका नोजल वाटर कूल वाला टॉर्च में नहीं लगता है। अब इसके अगले भाग को जानेंगे। यह जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है यह ओ रिंग है, इसे हम ओ रिंग के नाम से जानते हैं। यह जो तांबे का बना है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड नोजल या टंगस्टन इलेक्ट्रोड नोजल कहा जाता है। और इसके अंदर यह जो लगा है इसको कोलेट चक के नाम से जाना जाता है, जो टंगस्टन को पकड़ने का कार्य करता है। और यह अलग अलग साइज का होता है, जैसे 2.4 का अगर टंगस्टन हम लगा रहे हैं तो यह कोलेट चक जो होगा 2.4 का होगा। 1 mm का लगा रहे हैं तो यह कोलेट चक 1 mm का ही लगेगा। यह जो है यह कोलेट चक है, आप देख सकते हैं
यह कोलेट चक टंगस्टन को बहुत मजबूती से पकड़ता है। यदि यह खराब हो जाता है तो टंगस्टन की पकड़ अच्छी नहीं होती है। यदि यह 2.4 का है तो 2.4 का ही टंगस्टन लगेगा। यह टंगस्टन आप देख रहे हैं, यह रेड कलर का टंगस्टन है। इसमें कई कलर के टंगस्टन आते हैं जिस पर वीडियो बनाया जाएगा। यह टंगस्टन का अगला सिरा जो होता है उसको नुकीला बनाया जाता है, जिससे आर्क जो है बढ़िया बने। कोलेट चक में टंगस्टन को लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि कोलेट चक में टंगस्टन लगा हुआ है और इसके ऊपर एक चीरा लगा होता है और दूसरी तरफ भी चीरा लगा होता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। इस टॉर्च का यह भाग जो है टॉर्च बॉडी का है, इसे टॉर्च हेड भी कहा जाता है। यह टॉर्च हेड के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि होल बना है और इसमें ऊपर जो होता है थ्रेड होता है और नीचे भी थ्रेड होता है। अब हम लोग इसको काट करके देखते हैं कि अंदर में कैसे बना होता है। यह दूसरा टॉर्च काट करके रखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह कॉपर का हेड बना है और इसमें दोनों तरफ थ्रेड है। यदि लॉन्ग टेंशनिंग कप को टाइट नहीं कसा जाता है तो यह खराब हो जाता है।